क्या सीखना है हमें, हमें लेसाइन सॉल्यूशन बनाना है, सोडियम फ्यूजन फिल्ट्रेट बनाना है, और हमें लेसाइन टेस्ट करनी है। लेसाइन टेस्ट क्या होती है? लेसाइन टेस्ट हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फरस और हेलोजन को डिटेक्ट करने के लिए कोई टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट को हम लोग कौन सी टेस्ट कहते हैं? लेसाइन टेस्ट। और लेसाइन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सोडियम फ्यूजन फिल्ट्रेट यानी कि लेसाइन सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर दें। ओके, चलो, तो यहाँ पे से पहले हमें ये सिलेक्ट करना है कि कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस एक्सपेरिमेंट में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, उसके अलावा चाइना डिश की ज़रूरत पड़ेगी जो एक सोडियम सॉल्ट है, वायर गॉज की ज़रूरत पड़ेगी, देन ग्लास रॉड की ज़रूरत पड़ेगी। ग्लास रॉड किस लिए? फ्यूजन ट्यूब जो बनेगा उस फ्यूजन ट्यूब को तोड़ने के लिए। ऑब्वियसली बर्नर की ज़रूरत पड़ने वाली है, बर्नर किस लिए? हीटिंग के लिए। देन हमें और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो ये फ्यूजन ट्यूब है, इस तरफ फ्यूजन ट्यूब किस लिए होता है? उसके अंदर सोडियम डालना होता है। ये सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे। फिर ये पैर ऑफ टंग भी आपने देखा होगा, इससे पकड़ के दूसरी चीज़ों को हीट करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सोडियम मेटल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे रखी है जिनकी हमको ज़रूरत है। ओके, अब वाई सोडियम स्टोर्ड इन केरोसिन एंड ड्राई बिफोर यूज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हम सोडियम मेटल ले रहे हैं और सोडियम मेटल लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसे सोडियम मेटल को हमने किसके ऊपर रखा? फिल्टर पेपर के ऊपर रखा। फिल्टर पेपर के ऊपर इसलिए क्योंकि वो क्या करेगा, एक्सेस ऑफ केरोसिन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हमें क्या करना है, क्लिक ऑन द हाइलाइटेड फिल्टर टू ड्राई द सोडियम। ओके, तो ये हमने एक और फिल्टर पेपर लिया, ये हमने किसके ऊपर रख दिया, सोडियम के ऊपर रख दिया, इससे सोडियम क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, ड्रैग द पैर ऑफ टंग टुवर्ड्स द फ्यूजन ट्यूब टू होल्ड इट। ये मैंने पैर ऑफ टंग लिया, ये आपके लैब में होता है, और अब हमने क्या कर लिया, ये फ्यूजन ट्यूब ले लिया। फ्यूजन ट्यूब ये छोटी सी टेस्ट ट्यूब जैसा होता है, बहुत छोटा सा होता है। और अब हमें क्या करना है, तो ड्रैग द फॉसेप टुवर्ड्स द ड्राइड सोडियम मेटल एंड प्लेस इट इनटू द फ्यूजन ट्यूब। अब हमें इसकी मदद से सोडियम को उठाना है और इसे फ्यूजन ट्यूब के अंदर क्या कर देना है, डाल देना है। तो ये हमने सोडियम किस में ले लिया, फ्यूजन ट्यूब के अंदर ले लिया। और अब हमें क्या करना है, तो ड्रैग द टंग होल्डिंग द फ्यूजन ट्यूब टुवर्ड्स द बर्नर टू हीट इट स्लाइटली। मैंने नहीं बताया, उसे स्लाइटली हीट करना है। ओके, तो ये हम क्या करेंगे, बर्नर के ऊपर ले जाएंगे और इसे क्या करेंगे, बर्नर स्टार्ट किया। यहाँ पे होगा ये कि सोडियम एक मेटल है जो क्या हो जाएगा, आसानी से सॉफ्ट मेटल है, आसानी से क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे यही होने वाला है, तो जो सोडियम है वो क्या हो जाएगा, यू कैन ऑब्जर्व दैट द सोडियम मेटल हैज मेल्टेड अ शाइनी ग्लोबल। ओके, अब हमें क्या करना है, स्पॉचुला की मदद से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूजन ट्यूब के अंदर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हमने ये चीज किया, देखो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसके अंदर डाल रहे हैं, फ्यूजन ट्यूब के अंदर डाल रहे हैं। ओके, इसमें जरूरी ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्टली सोडियम के ऊपर, मेल्टेड सोडियम के ऊपर गिरना चाहिए। ओके, अब हमें क्या करना है, तो इसे वापस से रेड हॉट होने तक क्या करना है, हीट करना है। किस चीज को रेड हॉट होने तक हीट करना है, ये जो भी मिक्सचर हमने लिया, देखो एकदम रेड हॉट होने देना है इसे। ओके, अब जब आप इसे रेड हॉट होने तक हीट करोगे तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सोडियम के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ओके, अब हमारा आखिरी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये चार ऑप्शन है, प्लंग द ट्यूब इनटू द बीकर, प्लंग द ट्यूब इनटू द चाइना डिश विथ वाटर। हमें इसे किस में ऐड कर देना है, चाइना डिश के अंदर, जिसके अंदर पानी है उसके अंदर इसे हमें
रख देना है। ओके, तो ये हम ले जाएंगे और ये चाइना डिश के अंदर हमने इसे डाल दिया। तो ये तुरंत से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और इसके ऊपर वायर गॉस रख देना ताकि कोई भी चीज अंदर से बाहर की तरफ ना आए। ओके, ऑलवेज प्लेस अ वायर गॉस ओवर अ चाइना डिश व्हाइल प्लगिंग द फ्यूजन ट्यूब टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। समझ में आ रहा है? अब हमें क्या करना है, तो ड्रैग द ग्लास रॉड टुवर्ड्स द चाइना डिश टू क्रश द फ्यूजन ट्यूब। तो ये ग्लास रॉड की मदद से अंदर जो कुछ भी है उसे तोड़ देना। देखो, ओके, तो ये हमने फ्यूजन ट्यूब को क्या कर दिया, तोड़ दिया, क्रश कर दिया, ताकि ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरी तरह से पानी से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड। अब ग्लास रॉड है टू क्रश द अदर फ्यूजन ट्यूब। अब अंदर और भी फ्यूजन ट्यूब हमने इसी तरह से एक्सपेरिमेंट करके ऐड किया, उन सबको भी हमें क्या कर देना है, तोड़ देना है। ओके, तो हम लोग पूरी तरह से जितनी भी ग्लास फ्यूजन ट्यूब है उसे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ब्रेक कर दे रहे हैं। ऐसा किस लिए किया, ताकि NaFF का कॉन्सेंट्रेशन क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ओके, नेक्स्ट, अरेंज द चाइना डिश ट्राइपॉड स्टैंड एंड वायर गॉस। हमें सभी चीजों को अरेंज करना है, तो सबसे पहले ट्राइपॉड स्टैंड को अरेंज किया, फिर वायर गॉस को इसके ऊपर रखना है, और फिर चाइना डिश को इसके ऊपर प्लेस कर देना है, और फिर बर्नर को स्टार्ट कर देना है। ओके, अब हमें क्या करना है, बर्नर को स्टार्ट करना है। तो बर्नर हमने स्टार्ट कर दिया। बर्नर स्टार्ट करने से होगा क्या, अंदर जो पानी है ये इवाप्रेट होगा, और जो सॉल्यूशन है ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा। ओके, यानी कि अंदर अब जो चीज बन रही है वो लेसाइन सॉल्यूशन है, सोडियम फ्यूजन फिल्ट्रेट है। हमें इसे कब तक हीट करना है, ओके, जब तक सॉल्यूशन 1/3 ना हो जाए, ये याद रखना है। ओके, तो जब तक सॉल्यूशन यानी कि पानी 1/3 ना हो जाए, तब तक हमें इसे क्या करना है, हीट करना है। अब हमने इसे अलग से ले लिया, चाइना डिश को अलग कर लिया, और अब हमें इसे क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। इसे कूल होने दिया, और कूल होने के बाद हमें इसे क्या करना है, फिल्टर करना है। फिल्टर करने के लिए क्या करना होगा, तो हमें फिल्टर पेपर को पहले फनल के अंदर कोन शेप बनाना है। तो देखो, ये फिल्टर का क्या कर रहे हैं, फोल्ड करके कोन बना दिया हमने। फिर इस कोन को हमें कहाँ पे रखना है, तो सबसे पहले फनल को स्टैंड पे रखेंगे। तो ये मैंने फनल को स्टैंड पे रख दिया, अब फिल्टर पेपर को उसके ऊपर रख देंगे, और अब इस बीकर को उसके नीचे रखेंगे, ताकि ऊपर से जो भी फिल्टर आता है वो अंदर कलेक्ट हो जाए। ओके, अब ये इवापोरेटिंग डिश के अंदर क्या प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया लेसाइन सॉल्यूशन प्रेजेंट है, लेकिन उसके साथ ग्लास भी प्रेजेंट है, तो उसे फिल्टर करना जरूरी है। तो हम लोग ये अंदर ऐड कर दे रहे हैं। ऐसा करने से होगा क्या, देखो, जो भी रेसिड्यू है वो ऊपर रुक जाएगा, और नीचे जो कुछ भी हमें मिलेगा, ये हमें क्या मिलेगा, लेसाइन एक्सट्रैक्ट मिलेगा। ओके, तो ये लेसाइन एक्सट्रैक्ट है, इसी को सोडियम फ्यूजन फिल्ट्रेट NaFF या लेसाइन सॉल्यूशन या लेसाइन एक्सट्रैक्ट कहते हैं। ओके, अब इसके